दादा राम राम। राम राम भैया जी। और क्या हाल चाल है? और बढ़िया है भैया। तो ये तुरई कब से लगाओ थे दादा? ये तुरई लगाई थे वह चैत चैत बैसाख। नहीं, कई साल होएगा तुरई खेती करत आपका? अरे कई साल हो गई है। अच्छा, हाँ कई साल तो कई साल हो गई है। लगभग हर साल कत्ता आप कत्ता तुरई लगाओ थे? लगाई थे 10-12 बिस्वा। 10-12 बिस्वा हर साल? हाँ। अच्छा, तो ये जोन तरोई आप टूरे हो है का काटे हो है? हाँ। या तरोई कौन सी तरोई है? या वो है चार मीनार कही है। अच्छा, बेनार बेनार है। हाँ, बेनार। राम राम किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये तरोई की फसल है। दादा आपका क्या नाम है? राधेलाल पाल। ये राधेलाल पाल चाचा हैं और इनसे हम मुलाकात करने आए हैं। ये तरोई की खेती करते हैं और हर साल लगभग करीबन ये मान के चलिए आधा एकड़ खेत ये तरोई का लगाते हैं। कौन सी तरोई लगाते हैं, आइए हम लोग इनसे जानते हैं कि कौन सी वैरायटी लगाते हैं और कब लगाते हैं। और आपको इस इनके माध्यम से हम जानकारी देना चाहेंगे कि तरोई की फसल जैसा कि आप देख पा रहे हैं साइज भी बहुत बढ़िया है और पैदावार अच्छी है। तो इन चाचा के माध्यम से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि यदि आप तरोई की खेती करना चाहते हैं या करते हैं तो किस कंपनी की कौन सी वैरायटी लगाएं ताकि आप तरोई की फसल लगाकर भरपूर लाभ उठा सकें और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। दादा आपका क्या नाम है? राधेलाल। किस गांव में रहते हैं दादा? तरौना। तरौना में जी। दादा आप ये कितने सालों से लगा रहे हैं तरोई की खेती? कर रहे हैं 10-12 साल। तो हर साल कौन सी तरोई लगाते हैं आप? अरे कई प्रकार की तरोई लगाई लेकिन ये मीनार वाली तरोई बढ़िया निकली। तरोई जो लगाया हो ये बेनार कंपनी का है, बहुत बढ़िया निकली है। पैदावार कैसी है दादा? बढ़िया पैदावार है। पैदावार अच्छी है। और साइज वगैरह कलर कैसा है? कलर भी बढ़िया है। कलर बढ़िया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसान भाई, इन दादा के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं यदि आप तरोई की खेती कर रहे हैं तो आप बीएनआर कंपनी का बीएनआर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आलोक तरोई लगाएं जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही उपजाऊ है। दादा इमर रोग बीमारी कैसे लागत है? रोग बीमारी कहीं लग जाती है, ये पत्ता सफ़ेद हो लगता है। अच्छा, कीड़ा वीड़ा लगता है तो इसकी दवा। तो जौन जौन पहले लगावत रहे तरोई दादा, ई तरोई से और ई तरोई में उ तरोई में का अंतर है? वो तरोई सफीली बढ़िया नहीं होती। अच्छा, आई वाली? ये वाली साफ होती है। साफ होती है। पैदावार रोग बीमारी? रोग बीमारी जो तो अरे समय लागत है लेकिन दवा वा छिड़की जाती है। अच्छा, ये हिमा ज़्यादा लागत है कि कम लागत है? नहीं कम लागत है। कम लागत है। किसान भाइयों जैसा कि आप सुन रहे हैं देख रहे हैं कि जो बीएनआर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरोई है जिसका नाम आलोक है, आलोक वैरायटी जो है इसमें रोग बीमारी बहुत कम लगती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है। आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया साइज है, कलर भी अच्छा है, एकदम बिल्कुल हरा गहरा हरा है और पैदावार भी अच्छी है। तो दादा मार्केट में ले जाते तो तुरंत बिकाए जाते कि बैठे पड़ा था? नहीं, बैठे नहीं पड़ते। अच्छा, माल कोई भाव चाहे 3 रुपए में बिकाए चाहे 4 रुपए। अच्छा, लेकिन बिकाए जाते तुरंत बिका जाते हैं। अच्छा, और इससे आप संतुष्ट हो जो तरोई लगाया हो आप? संतुष्ट हो। और किसानन का आप क्या बतावा चाहते हो कि यह तरोई लगाओ कि कौन दूसरा लगाओ? यही तरोई सभी लोग हमारे गाँव में लगाए। अच्छा, आपके गाँव में सब लोग यह तरोई लगाओ थे? कौन तरोई आई फिर से बता दो दादा एक बार। जैसा कि आप सुन रहे हैं किसान भाइयों, बीएनआर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ये आलोक वैरायटी है और बहुत ही अच्छी होती है। यदि आप तरोई की खेती कर रहे हैं किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी है और आप यदि तरोई की खेती करते हैं तो बीएनआर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आलोक जो वैरायटी आती है आप इस वैरायटी को लगाइए और अधिक से अधिक मुनाफा लीजिए, क्योंकि ये वैरायटी ऐसी है कि आपकी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ इसमें कोई भी रोग बीमारी या कीड़ों का प्रकोप है, भुनगी का प्रकोप है, वाइट फ्लाई का प्रकोप है या काले भुनगे का प्रकोप है या अन्य किसी भी प्रकार की जो बीमारियां लगती हैं आपके फसलों में, पैदावारी जो है इसकी हम दादा से जान लेते हैं कि कब बोए थे और कितने दिन में ये तैयार हुई। दादा ये जब आप कितने दिन में बोने के कितने दिन बाद फल देने लगी है? ये देने लगी है करीब वही 2 महीने के बाद। 2 महीना। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं ये वैरायटी जो है आप बीएनआर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो आलोक वैरायटी है ये बोने के 2 महीने के बाद फल देने लगी है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया चीज़ है।
आप यदि तरोई की खेती करना चाहते हैं तो आप वी एन आर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आप आलोक वैरायटी लगाएं और इससे आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तमाम सारे फल लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जाल पर लगा हुआ है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कोई ज़्यादा रोग बीमारी इसमें नहीं लगा हुआ है, ना तो माइट का प्रकोप है ना थ्रिप्स का प्रकोप है। बस हल्का फुल्का कीटनाशक आप इसमें डालते रहिए और अधिक से अधिक उपज लेते रहिए। यदि आप तरोई की खेती करना चाहते हैं तो जैसा कि हमने किसान भाई के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाई है वीएनआर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो आलोक वैरायटी आती है, आप इस वैरायटी को लगाइए। ये वैरायटी आपकी बुआई के करीबन 55 से 60 दिन में फल देने लगती है और साइज बहुत अच्छा आता है इसका, पैदावार बहुत अच्छी है, गहरा हरा कलर है। यदि किसान भाइयों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको खेती संबंधित सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। धन्यवाद किसान भाइयों।